हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बेटनोइड क्रीम के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। जीएसके फार्मास्यूटिकल की यह 20 ग्राम की ट्यूब आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 18 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। बेटनोइड क्रीम में बीटामिटासोन 0.10% ये कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद बीटामिटासोन कंटेंट यह एक स्टेरॉइड ड्रग है जो किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी में उपयोग होता है। यह ड्रग आपकी स्किन को निखारने में भी काफ़ी मदद करता है। चलिए बात करते हैं बेटनोइड क्रीम के यूजेस के बारे में। इस क्रीम का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है? इसे स्किन में इन्फेक्शन की समस्या, स्किन में होने वाले एलर्जी की समस्या, स्किन पर सूजन आना, कान में इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दाग धब्बे, खाज, दांत, खुजली, इन सभी समस्याओं में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका अन्य इस्तेमाल जानने के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, बहुत लोग इसे फेयरनेस यानी गोरा होने के लिए भी यूज करते हैं, ऐसा न करें। अगर आप इसे गोरा होने के लिए यूज करते हैं तो ये आपको कुछ समय के लिए गोरा भी कर देंगी और आपके चेहरे के ऊपर के पिंपल्स एक्ने को भी दूर कर देंगी, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड ड्रग होने की वजह से ये जल्दी से असर करती है। अगर आप इसे लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन को डेड करती है, जिससे आपकी स्किन काली पड़ जाती है। और अगर आप इसका यूज करना बंद करें तो ये आपकी स्किन पर फिर से पिंपल आना शुरू हो जाते हैं। इससे आपकी स्किन को स्टेरॉइड ड्रग की लत लग जाती है। इसे केवल 10 से 15 दिनों तक यूज करें। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही और एलर्जी वाली जगह पर ही यूज करें। इसे लंबे समय के लिए या फिर फेयरनेस के लिए यूज ना करें, यह आपकी स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए इससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको स्किन में जलन, स्किन लाल होना, स्किन में रुखापन, खुजली, अपचन, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो या फिर इस क्रीम के इस्तेमाल से आपको कुछ साइड इफेक्ट होते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए बात करते हैं इसे यूज करने कैसे करें। आप अपनी समस्या बताकर इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर से पूछ लें। इसे कब और कितने समय तक लगाना चाहिए? आप इसे एलर्जी वाली जगह पर दिन में 2 बार लगा सकते हैं। प्रिकॉशन, इसे यूज करते समय सावधानियां। अगर आप पहले से कोई अन्य स्किन क्रीम या फिर अन्य कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को जरूर दें। इस वजह से इस क्रीम के साइड इफेक्ट होने की संभावना कम होती है। अगर आपको इस क्रीम से एलर्जी है तो आप इसका इस्तेमाल न करें। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये क्रीम यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे।